दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीका लगवाने के साथ कई लोग सोच रहे हैं कि क्या टीके की एक खुराक इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। कई सारे मिसकंसेप्शन की वजह से लोग वैक्सीन को लेकर असमंजस में हैं। हालांकि भ्रम ये भी पैदा होता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीके की एक खुराक पर्याप्त है या नहीं, क्या वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा से रक्षा कर सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब से आप घबराएं नहीं। दुनिया भर के एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड वैक्सीन की एक खुराक लोगों को वायरस से संक्रमित नहीं होने से बचा सकती है, लेकिन इफेक्टिवनेस कम रहती है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कहती हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। WHO के द्वारा डेल्टा को कोरोना के चौथे वेरिएंट के रूप में माना गया है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा संक्रमण बहुत जल्द फैलता है, लेकिन वैक्सीन इस पर कारगर है। सभी वैक्सीन डेल्टा से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। दो खुराक वाले टीके की दूसरी खुराक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही है जो वास्तव में इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है, ताकि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स बहुत मजबूत हो। जो लोग वैक्सीन लगवाए हैं, अगर वो संक्रमित भी होते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आती है। वैक्सीन का मुख्य काम ही है संक्रमण से बचाना, ज्यादा सीरियस नहीं होने देना। वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण होने पर आपको 99% बचाता है। हाँ, ये भी है कि अब तक 100% कारगर कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन वैक्सीन कोरोना के माइल्ड, मोल्ड और सीवियर से बचाता है, इसलिए वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लगवाएं। बता दें कि भारत में अब तक कुल 36 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में WHO ने बताया है। साथ ही WHO ने नए वेरिएंट के नाम को आसानी से याद रखा जा सके, इसके लिए नामकरण भी किया है। कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: अल्फा B.1.1.7, जो यूनाइटेड किंगडम में मिले वेरिएंट का नाम है, बीटा B.1.3.5.1, साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट का नाम है, गामा P.1, ब्राजील में मिले वेरिएंट का नाम है, डेल्टा B.1.6.1.7.2, भारत में मिले कोरोना वेरिएंट के नाम है। डेल्टा से म्यूटेशन से बना नया वेरिएंट, जिसका नाम रखा गया K.4.1.7.N। इसके अलावा डेल्टा से ही निकला B.1.6.1.7.1 यानी कप्पा वेरिएंट। कप्पा का ही एक उपवंश भी है, जिसका नाम B.1.6.1.7.3 है। इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। लैम्डा C.3.1.7.B.1.1.1 का वायरस है, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया समेत कम से कम 29 देशों में पहुंच चुका है। थीटा फिलीपींस में मिले स्ट्रेन का नाम है। बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीन की शुरुआत में 2019 के आखिर में पाए गए वायरस के मेन वर्जन से लड़ने के लिए डेवलप किया गया था। हालांकि अब वायरस ने खुद को एक अलग वर्जन में कन्वर्ट करते हुए अपना रूप बदल लिया है। ये चिंता की एक मुख्य वजह है कि शुरू में डेवलप वैक्सीन वायरस के म्यूटेशन की वजह से अपनी प्रभावशीलता खो सकता है। पूरी तरह से वैक्सीन लगवाने के लिए विशेषज्ञ की सिफारिश के पीछे की वजह वायरस के कई सारे प्रकारों से लड़ना है, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट। ये वर्जन भारत की प्रतिकूल दूसरी कोविड लहर के पीछे की मुख्य वजह थी। कहा जाता है कि एस्ट्राजेनेका या फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन जैसे टीकों की पूरी खुराक भी लोगों को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से बचाएगी। हालांकि वैक्सीन की एक खुराक ज्यादा इफेक्टिवनेस प्रदान नहीं करेगी और वायरस से सुरक्षा कम हो जाती है। भारत में फिलहाल 3 वैक्सीन लोगों को लगाए जा रहे हैं: सीरम की कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है, भारत बायोएनटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी। हालांकि वैक्सीन पर हुई स्टडी, WHO और एक्सपर्ट का भी यह मानना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, खुद को सुरक्षित रखें, साथ में कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। न्यूज़ टेक ब्यूरो।